हैदर तुम्हें फोन कर रहा था, तुम रिसीव नहीं कर रही। फोन साइलेंट में होगा शायद, कॉल बैक कर लो। उनका नंबर तो बिजी जा रहा है। अच्छा, अभी अभी तो उसने मुझसे कहा था। फिर शायद आपसे बात करने के लिए बहाना किया होगा। देखो दिलनशीन, मेरी हर बात गलत हो ये जरूरी तो नहीं। माना कि मुझे लालच है, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं। एक बात कहूं, अच्छा लगा आज ये जान के कि तुम्हारे मुंह में भी जुबान है। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? मेरी हर बात हमजा को बताना बंद कर दे। तुम्हारी हर बात हमजा को पता है? ये किसने कहा तुमसे? मुझे नींद आ रही है। हैदर से बात नहीं करोगे? जब कॉल बैक करेंगे तो कर लूंगी। कैसी हो? ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अच्छा मौसम हुआ है यहाँ पे, गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। यहाँ का वेदर बहुत गर्म है, हर वक्त आग बरसती है। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। कोशिश करें, इतनी भी मुश्किल नहीं हूँ मैं। मशीन, बजाय इसके कि तुम मुझे मनाओ, उल्टा मुझसे रूठ गई हो तुम। फाइल आपकी महमिल ने छुपाई थी। गॉड सेक दिलनशीन, अपनी हर बेवकूफी का जिम्मेदार उसे क्यों बनाती हो? आपको उसकी कोई गलती नजर क्यों नहीं आती हैदर? क्योंकि वक्त ने साबित किया है कि हर जगह वो गलत नहीं होती। मेरा इशारा जानती हो तुम। मुझे नींद आ रही है और इस वक्त मेरा मूड नहीं है कि मैं आपके ताने सुनकर अपनी नींद खराब करूं। सुनो मेरी बात, सुनो दिलनशीन, मैंने बात को रफा दफा करने के लिए कॉल की है। तुम होके नाराज होके सो रही हो। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको? इजी था ना यार, मीटिंग्स के लिए आया हूं, काम के लिए आया हूं, कोई घूमने फिरने तो नहीं आया। मिल गई आपको फुर्सत, फारिग हो गए काम से? मैं तो वैसे भी आपके फारिग औकात का मुश्किल हूं ना। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मुझे बताओ यहां से कुछ चाहिए? बहुत कुछ पहले ही मिल चुका है। ये तो देखो मेरी तरफ। I'm sorry. मैं इतनी गैर हूं। सॉरी तो कह रहा हूं। आप ऐसे तो नहीं मनाते? अच्छा तो कैसे मनाऊं जनाब को? सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूं। ओके, अब तुम मुस्कुरा दो। That's like a good girl. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam.
बाबरा, मेरा नाश्ता रूम में भिजवा दीजिए। बाबरा, इस घर में कमरे में नाश्ता सिर्फ उस सूरत में जाता है जब कोई बीमार हो। रहने दें, मुझे नाश्ता करना ही नहीं है। भाभी जी, आपके लिए। क्या जमाना आ गया है जिसका बेटा अपनी बीवी को फूलों में तोल रहा है, उसकी मां के लिए जरा सी भी इज्जत नहीं। आगे बेटा, जब घर को फूलों से भर देना था तो कम से कम अपना नाम तो लिख दिया होता कार्ड पे। किसने भेजे हैं ये फूल? मुझे लगा आपने भेजे हैं मुझे मनाने के लिए। टीनेज में ये सब हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं। उस उम्र से गुजर चुका हूं मैं। अलबत्ता तुम्हारी उम्र की लड़कियों को ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मुझे ये सब आपकी वजह से अट्रैक्ट कर रहा था हेदर। दिलजीत, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, खुदा के वास्ते सच बोलो, बोलो सच। ये तमाम फूल तुम्हें हमजा ने भेजे ना? बोलो दिलजीत, बोलो क्या सच है? मेरे पीछे बातें करती रही हो तो मुझसे। हाँ हाँ, उसी ने भेजे होंगे, जरूर उसने भेजे होंगे। उसकी जुर्रत तो देखो, ये हिम्मत उसकी कि यहां तक प्यार मोहब्बत के पैगाम भेज रहा है। बताओ मुझे, खुदा के लिए बोलो आप। क्या सुनना चाहते हैं? सुनना क्या चाहते हैं? मैं तंग आ गई हूं अपने किरदार की सफाइयां दे देकर, अपने किरदार की कसमें उठा उठा कर। मगर नहीं, आप लोगों को यकीन नहीं आता। ठीक है, नहीं आता। आप लोगों को लगता है कि मेरा अफेयर था तो ठीक है, था। अब क्या करेंगे आप? ये किस लहजे में बात कर रही हो अपने शौहर से? तो किस लहजे में करूं? आप लोग मेरे किरदार को रोनते चले जाएं, लेकिन मैं कुछ ना कहूं, ये तो ज्यादती है। मैं सवाल नहीं कर सकती। आप जो अपनी महबूबा को अपने घर में बिठाए बैठे हैं,
अकेले में मिलना मिलाना, घूमना, बातें करना, पुरानी यादें याद करना, वादे कस्में, सब कुछ, उस पर तो कोई सवाल नहीं होता। और मुझ पर सिर्फ शक की बुनियाद पर अदालतें लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप मर्द हैं? लगती हैं अदालतें क्योंकि हमारे माशरे में औरत का किरदार ही सब कुछ है। क्यों? हमारे माशरे में मर्द का कोई किरदार नहीं होता। लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं आज तुमने, और आप मेरे किरदार को रोनने की लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं।